करके खींच के ले जा रहे थे, तो वो खुद ही खींच रही थी सीन को इजी बनाने के लिए। हाँ आप बिल्कुल, अपनी तरफ से एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं पूजा को मैं खींचने, मेरे को डर लग रहा था कि इसको चोट ना लग जाए, पतली सी है पूजा वैसे, अब मैं उसको खींचूं कि उसको लग ना जाए, और बुरा भी लग रहा था ऐसे घसड़ते हुए बालों के थ्रू लेके आना। तो मैं उससे बार बार पूछ रहा था, पूजा आर यू कंफर्टेबल, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ लग तो नहीं रहा, कुछ लगे तो मेरे को बता देना, क्योंकि जब मास्टर शॉट लगता था मैं उसके पास में बात करता रहता था, उसको खींचता रह रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, ऐसे करते करते मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूँ। फिर बाद में क्लोज लगता तो बिल्कुल एक्सप्रेशन देते, ये देते, लेकिन वो सारा एफर्ट खुद ही लगा रही थी, मैं सिर्फ टच किया हुआ था उसको बस। Wow. और जैसे शो में कोई बहुत अच्छा काम करता है, भगवान बनता है, तो लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। आप बने थे विलेन, तो जनता फिर आपसे जब मिलती थी तो क्या कहते थे नहीं कुछ आपके नहीं, दिस शो? लोग बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन आते थे, लोग बहुत फोटो खिंचाते थे मेरे साथ वहाँ पे, आउटडोर हम शूट करते थे, भीड़ हो जाती थी, बहुत सारे लोग आते थे, गांव वाले आते थे, तो मिनिस्टर्स आते थे, एमएलए आते थे उमरगांव के, तो हमसे फोटो खिंचाते थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिविटी रही, कोई नेगेटिव थॉट तो कभी किसी के मन में आया नहीं, और सबने प्यार ही किया, कभी ऐसा धिक्कारा किसी ने भी नहीं, तो और अच्छा तो है कि मैंने ये किया। उसके बाद मेरे को पॉजिटिव रोल भी मिले, मैंने इतना बुरा करेक्टर किया दुशासन का, उसके बाद मैंने हनुमान भी किया संकट मोचन महाबली जी हनुमान में एज हनुमान, जी तो वह एक तो बिल्कुल ही नारी का अपमान कर रहे हैं और एक नारी को पूज रहे हैं, दोनों पूजी मैंने किए, एक तरफ इतना बुरा आदमी दुशासन और दूसरी तरफ हनुमान जी, दोनों रोल मैंने किए, तो ऐसा थॉट कई लोगों के मन में आता है कि एक इमेज बन जाती है वैसा करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप अपने रोल को पूरा जस्टिफाई करो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव ही करते जाओगे, आप हीरो भी बन सकते हो, आप विलन भी बन सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कैसा अपनी एक्टिंग को निखारते रहते हो। ट्रू सर, ट्रू। अपॉर्चुनिटी आपको मिली और आपने दोनों में खुद को प्रूव किया कि आप कितना बेस्ट दे सकते हैं। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि शो में कौन था एज एन एक्टर, आपको किसका काम बहुत पसंद आया अपने अलावा महाभारत शो में? मेरे को दुर्योधन का, शकुनी का, कृष्ण का और भीष्म का, इनका बहुत अच्छा लगा था। जनता आपसे पूछ रही है बार बार, मुझे कह रहे हैं कि एक बार आप पांडव लोगों के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री थी वो बता दें। बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी हम लोगों की, हम सब दोस्त थे कौरव पांडव, क्योंकि पांडव तो पांच थे, कौरवों में सिर्फ मैं, शकुनी और दुर्योधन थे और कर्ण, हम चार लोग थे और वो पांच लोग थे, तो लेकिन हमारी जो केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी थी, हमारे शॉट लगभग साथ ही होते थे, पांडवों का अलग यूनिट में चलता था, कौरवों का अलग यूनिट में चलता था, तो साथ खाना खाते थे, बहुत बिल्कुल दोस्त जैसा वो था, कोई ऐसा कुछ नेगेटिव कहीं पे भी नहीं था, लड़ाई झगड़े वाली बात, सबने एक दूसरे की हेल्प करी जब जिस जिसको हेल्प की जरूरत पड़ी, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, अभी भी है, अभी भी ऑलराइट, बातचीत होती है। आप लोग आज जब जाकर महाभारत की चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, स्टार्ट आपने कहां से किया निर्भय? थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहां से हो? मैं जयपुर से हूँ, मैंने स्टार्ट मेरा फर्स्ट शो महाभारत से किया, मैंने अपनी जर्नी शुरू, लेकिन मैं पहले जयपुर में मॉडलिंग शो में करता रहता था छोटे मोटे, 2011 या 12 में मैं कुछ टीनेजर बना था राजस्थान के अंदर, डेजर्ट स्टेट लेवल पे मैं जीता था कॉन्टेस्ट, वहां से मेरा थोड़ा मेरे घर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैं जिम के अंदर उतरा, एक्सरसाइज में उतरा, एक्सरसाइज करने लगा, तो धीरे धीरे बॉडी बनने लग गई, फिर जिम का ट्रेनर बना, तो वहां पे किसी ने बोला आप ठीक दिखते हो, बॉडी भी आपकी ठीक ठाक सी है, आप जा सकते हो ट्राई करो, तो मेरा दोस्त यहाँ पे काम करता था बॉम्बे के अंदर था एक, तो मैं उसके साथ आ गया बॉम्बे, तो उसको देखा, फिर थोड़े दिन मैंने बॉम्बे में स्ट्रगल किया, मेरे को लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं वापिस चला गया, क्योंकि सेविंग भी नहीं थी इतनी ज्यादा, बॉम्बे में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चे आते हैं बहुत सारे, तो जी उतने टाइम में मेरे पास था नहीं वो सब कुछ, तो मैं वापिस चला गया, मैंने फिर नौकरी करी, फिर पैसे अर्न किए, फिर बॉम्बे वापिस आया, तो यहाँ आके फिर जिम में नौकरी करी, फिर महाभारत का पता चला तो मैं ऑडिशन देने गया, तो बहुत सारी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है इसके पीछे, अभी फुर्सत में आपको बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं, तो उसके बाद जाके मैं यहाँ पे पहुंचा, नहीं तो पूरा इसी में चला जाएगा 20-25-30 मिनट आए की बातों में। तो अब लाइफ कैसी है? अब लाइफ आपको क्या-क्या दे रही है, अब तो मतलब बहुत कुछ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री बहुत कुछ, मेरा सपना था मोटरसाइकिलों के, मेरे पास कम से कम 10, मेरे पास 9, 9 या 8 या 9 मेरे को याद भी नहीं साइकिल्स हैं, जिसमें से 2 स्पोर्ट्स बाइक है, हायाबुसा है मेरे पास, यामा R1 है मेरे पास, ये सारी चीजें मेरे को इंडस्ट्री ने दी, जो मैं अगर नौकरी करता तो शायद मेरे को कभी मिलती नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मैं जी इतना इंटेलिजेंट हूँ नहीं कि मेरे को कोई इतने सारे पैसे मिल जाते लाख, क्योंकि नौकरी में कितना भी पढ़ा लिखा हो मेरे हिसाब से 50 से 1 लाख रुपए महीना मिलता है, इतना हमारी लाइन में इतना पर डे हो जाता है इंसान का, एक दिन में वो इतना कमा लेता है, तो ये लाइन के अंदर आना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल लाइफ सेटल्ड है, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, आप दिल से मेहनत करो, शिद्दत से इस चीज को चाहो तो आपको 100% मिलेगा, लेकिन आपको अपना 100% देना